गाइस, वेलकम बैक विद अनदर डेली रैप अप सेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हियर वी गो। सो आज देखा गया है कि हमारी मार्केट पर कहीं ना कहीं असर ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट हावी रहा है, एंड कल US मार्केट भी अपने वीक पर ही क्लोज हुई, जो 1% से डाउन थी। और अगर बात करें हम एशियन मार्केट की, तो इसमें भी सुबह एक वीक पॉइंट देखा गया जो 1% से डाउन रही। एंड US एंड एशियन मार्केट की वजह से निफ्टी भी अपने वीक पर ही ओपन हुई थी, और एक वोलेटाइल सेशन के बाद इसमें 2% का डाउन 17200 के ऊपर क्लोजनेस देखी गई। आज निफ्टी मीडिया में एक काफ़ी तेज़ी देखी गई है और काफ़ी अच्छा इसमें बाइंग इंटरेस्ट रहा है, जिसमें तेज़ी का असर कहीं ना कहीं जी एंटरटेनमेंट की वजह से रहा है, और इसमें तेज़ी 15% अबाव देखी गई है। इसमें तेज़ी कहीं ना कहीं इन्वेस्टको की न्यूज़ के आने के बाद देखा गया। एंड अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम में भी आज कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, जो कि 9% की तेज़ी पर रहा। एंड रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन की बात करें, तो इसमें लगातार कंडीशन वैसी की वैसी जारी है, कोई बदलाव इसमें देखने को नहीं मिला है। एंड कमोडिटीज़ मार्केट की बात करें, तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस में अभी भी $120 पर बैरल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सो आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और टिल देन बाय बाय, थैंक यू।